हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है हमारा कुछ इमेज बेस। मैं आपके सामने फिर से लेके आई हूँ, और आज की जो इमेज बेस है वो हमारा एक नया सब्जेक्ट होगा। नया सब्जेक्ट मीन्स जो हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किया है, जो कि है पीडियाट्रिक एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली मैं हमेशा से वही आपके लिए इमेज बेस लेके आती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जो जो कि एग्जाम में आने की जिसके चांसेस होते हैं, है ना। चलिए तो आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा, आपको पता है कि हमारी नॉर्सेट की है, नॉर्सेट 2021 की जो है डेट आ चुकी है। 20 नवंबर को एग्जाम है, तो बहुत ही जल्दी से अब आपको बिल्कुल बकाफ होना पड़ेगा और सब कुछ कमर कस के पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये डेट, और जिसका सब बच्चों को, पूरे इंडिया के बच्चों को मेरे ख्याल से बेसब्री से इंतजार था। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना हमें पता है हमेशा 100% रहती है, क्योंकि हमेशा आते ही है। और इस बार भी कुछ नए टाइप के या नए क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे इमेज बेस्ड। तो हम जितना हमसे हो सकेगा हम आपको उतना ज्यादा जो है इमेज बेस्ड की प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ सबने हमेशा ही इमेज बेस्ड लेके आती हूँ। तो आज की जो इमेज बेस है या आज की जो क्लास है वो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट इमेज जो हमको दिख रही है वो है, देखिए क्या है फर्स्ट इमेज, क्या दिख रहा है आपको? हमें दिख रहा है एक इन्फेंट रेडियंट वार्मर। ठीक है, एक न्यू बॉर्न रेडियंट वार्मर। रेडियंट वार्मर पता है आपको क्या होता है? डिलीवरी के बाद जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेबर रूम में प्री हीटेड वार्मर जो होता है पहले से ही ऑन होता है हमेशा। जब भी लेबर स्टार्ट होता है या लेबर रूम का काम स्टार्ट होता है तो हम रेडिएंट वार्मर को भी सबसे पहले क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ताकि हर सिचुएशन के लिए, हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये वार्मर जो है तैयार रहे। ठीक है, और स्पेशली बच्चों में सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, हाइपोथर्मिया से। हाइपोथर्मिया क्या होते हैं ना, टेम्परेचर कम होने का। ठीक है, टेम्परेचर कम होने के चांसेस कितना, लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ओके, चलिए तो इन्फेंट रेडिएंट वार्मर क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा वार्मर जिसमें हम बच्चे को रखते हैं जो ऑलरेडी प्री हीटेड होता है, जिसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और कुछ मोड होते हैं इसमें जिसमें सर्वो मोड जो होता है सबसे बेस्ट होता है। कौन सा? सर्वो मोड सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, और इसमें हम टेम्परेचर पहले से ही मेंटेन करके रखते हैं। ओके, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें देखिए न्यू बॉर्न को रखा गया है, तो इस तरीके का अगर कोई इक्विपमेंट आपके पास आया है तो वो क्या है, इन्फेंट रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर इज अ बॉडी वार्मिंग डिवाइस टू प्रोवाइड हीट टू द बॉडी। दिस डिवाइस हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बेबी एंड लिमिट द मेटाबॉलिज्म रेट। टारगेट टेम्परेचर इज 36.5 to 37.5। ओके, हमारा टेम्परेचर इसमें कितना सेट होता है, 36.5 से लेकर 37.5, जो कि न्यू बॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास पास कि न्यू बॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 से लेकर 37.5, ये होता है न्यू बॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जल्दी से। यहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए सर्वो मोड जो है बेस्ट मोड माना जाता है रेडिएंट वार्मर का, और इसके अलावा लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया बोलेंगे। ठीक है, हाइपोथर्मिया। एंड नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज 36.5 to 37.5। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट, दैट इज इन्फेंट रेडिएंट वार्मर। चलिए जल्दी से हम जाते हैं नेक्स्ट हमारी इमेज पे। ओके, चलिए नेक्स्ट इमेज हमारे पास, दैट इज इन्फेंट इनक्यूबेटर। ठीक है, रेडिएंट वार्मर का ही एक रूप है। ठीक है, रेडिएंट वार्मर में जब ऐसा बेबी जिसको बहुत ज्यादा, जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, ठीक है, प्री मेच्योर, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, इस तरीके के जब बेबी होते हैं, प्री मेच्योर मतलब प्री टर्म बेबी, और प्री टर्म कितने कितने को बोलते हैं, प्री टर्म जो लेस देन 37 वीक्स, 37 वीक्स से पहले पैदा हो गए उसको हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी, और जो हमारे 42 वीक्स के बाद हुए हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, पोस्ट टर्म बेबी। ओके, तो 40 से 42 वीक जो है नॉर्मल जेस्टेशन माना जाता है, 40
40 से 42 वीक। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड है। अगर 37 वीक से पहले बेबी हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीटर्म। 42 के बाद हुआ है तो उसे हम बोलेंगे पोस्टर्म बेबी। ओके, तो प्रीटर्म बेबी, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी, तो उनके लिए क्या किया जाता है? एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा इक्विपमेंट यूज किया जाता है जो कि वार्मर की तरह ही होता है, लेकिन ये पूरा क्या हो जाता होता है? एक कवर्ड होता है, ठीक है, पूरा कवर्ड होता है। इसमें इन्फेक्शन, बहुत ही इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए, ताकि ऐसे बेबीज को एक तो हाइपोथर्मिया से भी हम प्रिवेंट कर सके, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके, उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रॉपर मिल सके, और उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट किया जा सके, ताकि उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से। उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे किस में रखा जाता है? इनक्यूबेटर में रखा जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पर क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए इसके बजाय रेडिएंट वार्मर को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनक्यूबेटर्स भी होते हैं, और इनक्यूबेटर हम स्पेशल केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज इनक्यूबेटर? इनक्यूबेटर आर डिवाइस दैट प्रोवाइड्स सफिशिएंट वार्म टू द बॉडी टू मेंटेन डिजायर्ड टेम्परेचर। मोस्टली इनको भी किसके लिए यूज किया जाता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्री टर्म बर्थ और फॉर सम फुल टर्म बेबीज। फुल टर्म बेबीज में भी यूज किया जा सकता है, अगर उनको कोई क्या है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीजेस है, ठीक है, कोई कार्डियक एनोमली है, कोई रीनल एनोमली है, कोई गैस्ट्रिक एनोमली है, बहुत सीरियस कंडीशन है, तो उसके लिए, फुल टर्म बेबी के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे कवर्ड होते हैं, इसमें इस तरीके के चेंबर्स बने होते हैं जिसमें से बेबी को आईवी लाइन और ये सब ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ चेंबर्स बने होते हैं जिनके थ्रू, जिन होल्स के थ्रू बेबी को क्या किया जाता है, ये सारे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका टेम्परेचर भी प्री वार्म्ड होता है, पहले से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज इनक्यूबेटर, ओके, इन्फेंट इनक्यूबेटर। रेडिएंट वार्मर ओपन होता है पूरा, और इनक्यूबेटर क्या होता है? पूरा क्लोज होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इमेज है हमारे पास न्यूबॉर्न से रिलेटेड, एक और इमेज है हमारे पास, म्यूकस एक्सट्रैक्टर। नाउ व्हाट इज म्यूकस एक्सट्रैक्टर? अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और हमको बेबी का सक्शन करना है, एक मिकोनियम एस्पिरेट बेबी आपके पास आया है, या आपको बेबी का बहुत ज्यादा वो निकल रहा है, क्या सलाइवा निकल रहा है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन उसके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम सक्शन करेंगे, फिर भी किससे करेंगे? म्यूकस एक्सट्रैक्टर, इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है हमारे पास, जो बिना किसी इलेक्ट्रिकल उसके चलता है, बिना बैटरी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, ठीक है। इसमें एक यहाँ पे एक चेंबर बना होता है जिसमें म्यूकस क्या होता है, इसमें इकट्ठा होता है, म्यूकस इकट्ठा होता है, ये आपके पास एक तरह से सक्शन कैथेटर है इसमें जुड़ा हुआ, ठीक है, और ये इसका वैक्यूम क्रिएट करता है, ओके। तो इससे हम क्या करते हैं, सक्शन वो करते हैं, और इसको हम माउथ पे लगाते हैं, और इसको हम बेबी के नोज या माउथ पे लगाते हैं उससे सिक्रीशन निकालने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से ब्लो करते हैं, और यहाँ पे ये म्यूकस क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस बेबी के उससे, इन्फेंट से, न्यूबॉर्न से म्यूकस को निकालने के लिए, म्यूकस को एक्सपेक्टोरेट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी, बिना किसी बैटरी के चलता है, और जिसे हम बोलते हैं म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ओके, इसे म्यूकस एस्पिरेटर भी बोला जा सकता है। चलिए, अ म्यूकस एक्सट्रैक्टर आल्सो कॉल्ड अ बल्ब सिरिंज, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, और बल्ब सिरिंज भी बोला जाता है, बल्ब सिरिंज। बल्ब सिरिंज क्लियर्स द नोज ऑफ अ चाइल्ड हु हैज ट्रबल ब्लोइंग इनटू अ टिश्यू। यूज वन टू क्लियर योर चाइल्ड्स नेजल पैसेजेस, अलाउइंग हिम टू ब्रीथ इजियर व्हेन सिक एंड प्रिवेंटिंग म्यूकस फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ हिज नोज। अगर उसकी नोज या माउथ से कोई भी म्यूकस निकल रहा है, कोई भी सिक्रीशंस निकल रहे हैं, तो उनको क्या करने के लिए, सक्शन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसको बल्ब सिरिंज भी कहा जाता है। सो दिस इज म्यूकस एक्सट्रैक्टर। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास एक और पीडियाट्रिक से रिलेटेड इमेज है, दैट इज पीडियाट्रिक, और आप यू कैन से इसको हम कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में भी क्या होते हैं, हमारे पास सबस्टेंस सेंटर होते हैं, सीएससीज होते हैं, पीएचसीज होते हैं, जहां पे डिलीवरीज कंडक्ट की जाती हैं, तो वहां पे न्यूबॉर्न से रिलेटेड और डिलीवरी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट क्या होते हैं, बेसिक इक्विपमेंट वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, एक बीम बैलेंस है, क्या है, एक बीम बैलेंस, इसे बोलते हैं बीम बैलेंस। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक इन्फेंट को लिटाया हुआ है, और ये क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस बीम बैलेंस की उसमें क्या करते हैं, बेबी का वेट लिया जाता है, क्या लिया जाता है, बेबी का वेट लिया जाता है। ओके, इस बीम बैलेंस में बेबी का वेट मेजर किया जाता है, न्यू बॉर्न बेबी का वेट मेजर किया जाता है। अब बीम बैलेंस इज अ डिवाइस यूज टू मेजर मास, मास का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वेट, ठीक है, मास का मतलब वेट। एन ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू अ डिस्क ऑन द साइड दैट हैंग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ बार, इट इज बैलेंस्ड विद वेट्स एट द अदर एंड, इट हैज अ लीवर विद टू इक्वल आर्म्स एंड अ पैन सस्पेंडेड फ्रॉम ईच आर्म, ठीक है। तो ये बीम बैलेंस जो है एक तरह से काम करता है एक प्रिंसिपल पे, ठीक है, जिसमें क्या होता है हम लीवर यूज करते हैं, मतलब अगर इसमें एक तरफ कोई वेट रखा जाए, ठीक है, एक तरफ कोई वेट रखा जाए तो जिस तरफ वेट ज्यादा होगा उस तरफ क्या हो जाएगा, ये इधर की तरह ही झुक जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस तरीके का कोई आपको डिवाइस दिखाई दे तो वो क्या है, बीम बैलेंस है, जो कि न्यूबॉर्न या इन्फेंट के वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इमेज है इन्फेंटोमीटर। अब मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे लंबाई है ना, तो अभी हमने वेट नापा था बेबी का, अभी हम बेबी की क्या नापेंगे, हाइट नापेंगे, ठीक है। तो इन्फेंट या न्यूबॉर्न की हाइट को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसे कहते हैं इन्फेंटोमीटर। ओके, उसे कहते हैं इन्फेंटोमीटर। तो आपको हॉस्पिटल में ये इजीली अवेलेबल होता है इन्फेंटोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ अ यंग चिल्ड्रन, ठीक है। नॉर्मल हाइट कितनी होती है, ओके, हमने लास्ट वेट, वेट कितना नॉर्मल होता है हमारा इंडियन बेबी का, 2.5 to 3.5 नॉर्मल वेट है ये, ठीक है। और अगर हाइट की बात करें तो कितनी होती है, एवरेज हाइट कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, बर्थ के टाइम पे एवरेज हाइट कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, चलिए, ठीक है। उसके बाद तो हम बच्चे का साइज, उसका साइज मेजर करने के लिए, उसकी हाइट मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, इन्फेंटोमीटर का यूज करते हैं। देन 5 to 80 सेंटीमीटर इसकी रेंज होती है, 5 से 80 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज होती है। एंड इसको मेजर किया जा सकता है किसमें, इंच में भी किया जा सकता है, इसमें इंच की रीडिंग भी होती है और सेंटीमीटर की रीडिंग भी होती है, और हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये है आपके पास इन्फेंटोमीटर। चलिए नेक्स्ट इमेज है हमारे पास बॉर्सलो टेप। देखिए बॉर्सलो टेप ये क्या होता है, ये बॉर्सलो टेप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कम्युनिटी में या हॉस्पिटल्स में एक टेप यूज करते हैं, ठीक है, एक टेप यूज करते हैं और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेप होता है, ठीक है, और ये इमरजेंसी भी होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसे यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। अब ये मेजर क्या करता है, देखिए इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कलर कोडेड, ठीक है, इसमें आपको पता है कुछ कलर दिए हैं, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट, येलो, पर्पल, रेड, पिंक, ग्रे, ओके, इसमें कुछ कलर दिए हैं, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 इसमें कलर्स दिए हैं आपके पास। तो ये कलर कोडेड एक स्टैंडर्डाइज्ड टेप होता है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में से यूज किया जाता है मेजरिंग टेप, एंड दिस टेप प्रोवाइड्स यू विद अ रैपिड एस्टिमेट ऑफ अ चाइल्ड्स वेट बेस्ड ऑन देयर रिकमेंड लेंथ। तो ये क्या करता है, ये आपको बताता है, फॉर एग्जाम्पल आपको डोज कैलकुलेशन के लिए, मेडिकेशन कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, आपको पता करना है कि बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या होना चाहिए, ओके? तो आपको अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज पता है तो इस टेप में सारी रीडिंग्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट का वेट कितना होगा या फिर कितना वेट की बच्चे की हाइट कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके? इट इज डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन अप टू अप्रोक्स 12 इयर्स ऑफ एज, और इस ये किस किस के लिए बनाया गया है, 12 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है, 0 to 12 years, जन्म से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करता है एक तरह की कि वेट के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, उनका दोनों का जो है बैलेंस जो है वो सही तरीके से है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बॉर्सलो टेप, और ये एक इमरजेंसी क्राइटेरिया है, इमरजेंसी स्टैंडर्ड है जो कि हम यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी एरिया में। नेक्स्ट है हमारे पास
फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी आप सबने देखी होगी एनआईसीयूज वगैरह में, नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट्स जो होती हैं, पीडियाट्रिक आईसीयूज होते हैं, वहां पर क्या होती है, फोटोथेरेपी अवेलेबल होती है। फोटोथेरेपी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं। और किस चीज के लिए ये लाइट यूज की जाती है, बच्चे के बिलिरुबिन लेवल जो कि क्या कॉज करता है बच्चे में, नियोनेटल ज्वाइंटिस कॉज करता है, ठीक है। बिलिरुबिन जो बड़ा हुआ होता है तो ज्वाइंटिस कॉज करता है वो, ठीक है। तो उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, बिलिरुबिन के लेवल को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ लाइट्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोथेरेपी। इस तरीके की ब्लू लाइट्स यूज की जाती है। कैसी लाइट्स यूज की जाती है, ब्लू। ओके, सो द स्किन इज एक्सपोज टू अ स्पेशल टाइप, और इस वाले लाइट में बच्चे को पूरा एक्सपोज किया जाता है सिवाय उसकी आंखों को छोड़ के, उसके आई एरिया को छोड़ के और उसके जेनिटल्स को छोड़ के। आई और जेनिटल्स दोनों क्या किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेबी को पूरा न्यूड हम क्या करते हैं, उसके लाइट के नीचे एक्सपोज करते हैं, ठीक है, सिवाय उसके आंखों के और उसके जेनिटल एरिया को कवर करते हुए। ओके, तो ये क्या करता है, द स्किन इज एक्सपोज्ड टू अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइट व्हिच कम्स फ्रॉम अ मेडिकल डिवाइस। इस तरीके के सोर्स से आ रही होती है लाइट, कॉमनली रेफर्ड टू एज अ फोटोथेरेपी यूनिट। फोटोथेरेपी लाइट्स एमिट लाइट इन द ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम में ये लाइट एमिट करते हैं। और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 430 से लेकर 490 नैनोमीटर, ठीक है, 430 से लेकर 490 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है इन लाइट्स की। ओके, एंड इट इज नॉट एन अल्ट्रावायलेट, ये कोई यूवी रेज नहीं होती है, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन लाइट्स है स्पेशली किसके लिए डिजाइन की गई है, फोटोथेरेपी के लिए, सॉरी बिलिरुबिन लेवल को कम करने के लिए ही डिजाइन की गई है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, इसमें ये बिलिरुबिन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, जो स्टूल है, बेबी का जो स्टूल है और यूरिन है उसके उसके थ्रू क्या करता है, बिलिरुबिन लेवल हमारा उस बेबी का मेंटेन होता है। स्टूल और यूरिन पास करता है बेबी, उसमें बिलिरुबिन क्या आता है, उसमें बिलिरुबिन आता है, तो फिर बेबी का बिलिरुबिन लेवल इस तरीके से मेंटेन होता है इस लाइट के सोर्स से, ठीक है। एक तो ये लाइट क्या करती है, कन्वर्ट करती है, ओके ओके, किसको, बिलिरुबिन को, यूरिनो बिलिरुबिनोजन और स्टर्को बिलिरुबिनोजन के रूप में, ठीक है। चलिए, तो और आप ये हमें पता, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि जो फोटोथेरेपी है उसका जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, एक नर्स ने ही किया था, ठीक है, एक नर्स ने ही इसका इन्वेंशन किया था फोटोथेरेपी का। तो ये है फोटोथेरेपी जो आप नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट में इजीली आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट इमेज है हमारे पास, नियोनेटल ज्वाइंटिस मीटर। अभी हमने फोटोथेरेपी यूज की, अब हमें पता कैसे कर चलेगा कि बेबी का बिलिरुबिन लेवल कितना है। तो एक तो ब्लड सैंपल लिया जाता है हर डे पे, हर 24 घंटे में बेबी का ब्लड सैंपल लिया जाता है बिलिरुबिन लेवल को चेक करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास आजकल एक न्यू तरह के डिवाइसेस आए हैं जिनको बोला जाता है नियोनेटल ज्वाइंटिस मीटर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक सेंसर लगा होता है जिसको हम बॉडी से टच करा के, बॉडी से, बेबी की बॉडी से टच करा के इसमें क्या करते हैं, बिलिरुबिन का लेवल इसमें नोट हो जाता है, ठीक है। So, the transcutaneous jointness meter offers a reliable, non-invasive method. तो ये क्या है? Non-invasive है। मतलब इसमें हम बिना किसी को, इन बेबी को प्रिक किए हुए, ठीक है, बिना प्रिक किए हुए क्या कर रहे हैं, हम बेबी का ज्वाइंटिस लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, फॉर स्क्रीनिंग बेबीज फॉर ज्वाइंटिस, द प्रोडक्ट इज कन्वीनियंट, इफेक्टिव एंड प्रूवन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर ब्लड सैम्पलिंग एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टू डिवेलपमेंट केयर प्रैक्टिस, ठीक है। और ये प्रूव्ड है, ठीक है, ये प्रूव्ड है कि ये ज्वाइंटिस मीटर जो है ये क्या करता है, बेबी के बिलिरुबिन लेवल और इनवेजिव प्रोसीजर करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है बेबी के। ओके, तो इसमें, इससे हम क्या कर सकते हैं, बिलिरुबिन लेवल को असेस किया जा सकता है बिना बेबी को प्रिक किए हुए, उसका ब्लड सैंपल लिए हुए, और ये ऑलरेडी क्या है, प्रूवन है, ठीक है। तो ये है नियोनेटल ज्वाइंटिस मीटर। चलिए, नेक्स्ट इमेज है हमारे पास, एक साइन दिख रहा है आपको बेबी में, ठीक है, हमें एक साइन दिख रहा है, एक न्यू बॉर्न बेबी हमारे पास और इसमें हमें एक साइन दिख रहा है, देखिए इस तरीके का साइन दिखता है आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा। स्ट्रॉबेरी कलर का दिखाई देता है, ये स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, लाल होता है बिल्कुल,
और ये क्या होता है, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है, एक कैपिलरीज का एक गुच्छा बना होता है जो कि आपको न्यूबॉर्न में किसी कभी कभी मार्क के रूप में दिखाई देगा। तो इस तरीके का आप कोई मार्क आपको अगर न्यूबॉर्न बेबी पे दिखाई दे रहा है उसे बोला जाता है स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा का मतलब क्या है, एंजियोमा का मतलब है आर्टरीज या फिर कैपिलरीज, ठीक है, और हिमे का मतलब है ब्लड, और इसका एक गुच्छा जब एक साथ आ जाता है स्किन पे दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है, रेड कलर का एकदम। स्ट्रॉबेरी नेवस, इसे स्ट्रॉबेरी नेवस भी बोलते हैं, इज अ रेड बर्थ मार्क नेम्ड फॉर इट्स कलर, इसकी कलर की वजह से इसका नाम ये रखा गया है, ओके। दिस रेड टिंज ऑफ स्किन कम्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स क्लोज टू द स्किन सर्फेस and these birthmarks most commonly occur in young children and infants, ye mostly chote bachchon mein dekha jata hai ya fir infants mein dekha jata hai, so it's called a birthmark, strawberry nevus does not always appear at birth, hamesha nahi dikhai deta, theek hai, lekin kabhi kabhi kisi bachche mein ye dikhai de sakta hai, theek hai। नेक्स्ट हमारे पास हमको एक इमेज दिख रही है जिसमें एक कंडीशन दिखाई हुई है, और ये कंडीशन क्या है, यू कैन रीड हियर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीजें आती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर हम दो कंडीशन पढ़ते हैं, एक होता है क्वाशर कोर, एक होता है मरास्मस, ठीक है। तो देखिए ये क्वाशर कोर वाला बच्चा है और ये मरास्मस वाला बच्चा है। मरास्मस का मतलब बिल्कुल जिसका मास जो है बिल्कुल क्या है, गायब है, ठीक है, जिसके स्किन पूरी क्या है, बिल्कुल लीन मास है एकदम, बहुत ही ज्यादा लीन ये बेबी दिखाई देता है। जबकि क्वाशर कोर में क्या होता है, बेबी जिसका फैट, बेबी की बेली जो होती है वो क्या होती है, बड़ी भी होती है, ठीक है, और इस तरीके की स्केली स्किन दिखाई देती है, इस तरीके की स्केली स्किन। तो क्वाशर कोर के अपने कुछ साइन एंड सिम्टम्स है और मरास्मस के अपने कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। मरास्मस में आपको बेबी बिल्कुल क्या दिखेगा, पतला दिखेगा एकदम, उसका जो उसके अंदर की रिब्स वगैरह होती है वो भी बिल्कुल दिखती है, क्योंकि मसल वास्टिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मसल वास्टिंग बहुत ज्यादा होती है। और जबकि क्वाशर कोर में आपको बच्चे में प्रोटीन स्पेशली कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उसका जो बेली फैट होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कमी की वजह से उसका बेली फैट जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये क्वाशर कोर के मेन साइन है, और जो इसकी स्किन है उसमें पैचेस दिखाई देते हैं कुछ, ठीक है। तो ये है प्रोटीन एनर्जी के दो तरीके के टाइप, एक है क्वाशर कोर और एक है मरास्मस। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन समटाइम्स कॉल्ड इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट इज डिफाइंड एज अ रेंज ऑफ कंडीशंस अराइजिंग फ्रॉम कोइंसिडेंट लैक ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड एनर्जी। तो डाइट में, बच्चे की डाइट में कैलोरीज और प्रोटीन, इन दोनों की कमी से होने वाला जो डिसऑर्डर है दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। टू मेन टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन आर मरास्मस एंड क्वाशर कोर, ठीक है, और इसके अंदर दो कंडीशंस आती हैं स्पेशली, क्या है, मरास्मस और क्वाशर कोर। देखिए इसमें आपको स्वॉलन एंकल्स दिखाई देंगे, क्वाशर कोर में एडिमा दिखाई देगा, एसाइटिस दिखाई देगा, स्केली स्किन दिखाई देगी, ठीक है, जबकि मरास्मस में क्या दिखाएगा, बच्चे का फेस बिल्कुल रिंकल्स हो जाते हैं उसमें, तो वो ओल्ड फेस जैसे दिखाई देता है बच्चे का फेस, ठीक है, उसके हेयर लॉस होता है, रिंकल्ड स्किन होती है और सीवियर मसल वास्टिंग होती है, ठीक है। तो ये है मरास्मस और ये है क्वाशर कोर। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ब्रायंट स्ट्रैक्शन। एक बच्चा दिख रहा है आपको, उसको क्या लगा हुआ है, एक ट्रैक्शन लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या लगा हुआ है, एक ट्रैक्शन लगा हुआ है। ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन विच इज समथिंग टू पुल, है ना, जो क्या करता है, किसी चीज को पुल करता है। ट्रैक्शन का मतलब किसी भी एरिया में खिंचाव लाना, ठीक है, किसी भी एरिया में खिंचाव लाना ताकि उसका अलाइनमेंट, उसका जो सीधा, उसको हम सीधा करते हैं ना, वो क्या हो जाए, सही तरीके से हो जाए, अलाइनमेंट बना रहे किसी भी बोन में। तो बोन की अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए हम ट्रैक्शन देते हैं उसमें, ठीक है, और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है स्किन ट्रैक्शन और एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन जो है वो बाहर से ओपन होते, क्लोज होते हैं, जबकि जो स्किन ट्रैक्शन किए जाते हैं वो स्किन में ओपन तरीके से किए जाते हैं, ओपन रिडक्शन किया जाता है बोन का, ओके। तो ये किस तरीके के ट्रैक्शन, बहुत तरीके के होते हैं। एक तो ये कौन सा ट्रैक्शन है, ब्रायंट ट्रैक्शन है, इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल डिसलोकेटेड हिप, ठीक है, मोस्टली किसके लिए किया जाता है, जब
हिप का डिसलोकेशन हो जाता है, जो हिप बोन होती है बच्चे की उसका डिसलोकेशन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ट्रैक्शन दिया जाता है उसको बोलते हैं ब्रायंट ट्रैक्शन। ठीक है, इन ब्रायंट ट्रैक्शन द चाइल्ड्स बॉडी एंड द वेट्स आर यूज्ड एज टेंशन टू कीप द एंड ऑफ द फीमर लार्ज बोन दैट गोज फ्रॉम द नी टू द इन द हिप सॉकेट, ताकि उसका जो ये हिप सॉकेट से यहां तक जो उसका ट्रैक्शन क्या वो अलाइनमेंट सही तरीके से बना रहे। ठीक है, तो मेनली हिप डिसलोकेशन के लिए जो ट्रैक्शन यूज किया जाता है बच्चों में उसे बोलते हैं ब्रायंट ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट इमेज है हमारे पास, एक कंडीशन दिख रही है, पीडियाट्रिक की कुछ कंडीशन से हम डील कर रहे हैं, तो एक कंडीशन आपको दिख रही है जिसको बोलते हैं इश्कियोफेगस। इश्कियो, ये वर्ड आपने कहां सुना है इश्कियो, तो जो हमारी प्यूबिक बोन होती है, ठीक है, प्यूबिक बोन या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं इनोमिनेट बोन बोलते हैं, प्यूबिक बोन या फिर इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन, इसके तीन पार्ट्स होते हैं इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस, तो जब इश्कियम वाला एरिया वहां से दो बेबीज, दो ट्विंस बेबीज जो है आपस में क्या हुए जुड़े हुए हैं, मदर के वूम में ही दो बेबी इश्कियल पार्ट से, हिप बोन के इश्कियल पार्ट से जब दो बेबी आपस में जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है इश्कियोफेगस कंडीशन। ठीक है, ये देखिए ये जो हिप बोन है बेबी की नीचे वाली, इसमें इश्कियल पार्ट से दोनों बेबी आपस में क्या हुए जुड़े हुए हैं, दोनों का पार्ट सेम है बाकी सब चीजें क्या है अलग अलग है, तो इस तरीके के बच्चों को बोला जाता है इश्कियोफेगस। अगर वो सर से जुड़े हुए तो उनको बोला जाता है क्रेनियोफेगस। ठीक है, क्रेनियोफेगस, तो इस तरीके से इनके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, इश्कियोफेगस ट्विंस आर जॉइंड एट द पेल्विस आइदर फेस टू फेस और एंड टू एंड। ठीक है, मेनी इश्कियोफेगस ट्विंस शेयर द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्विंस का, इश्कियोफेगस ट्विंस का जो जीआई ट्रैक्ट होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है सेम होता है। ठीक है, दे शेयर अ सेम, दे शेयर अ सेम जीआई ट्रैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में जीआई ट्रैक्ट की क्या करते हैं सेम शेयर करते हैं, as well as liver and genital and urinary tract organs, यहाँ तक कि liver भी इनका same होता है और genital और urinary tract भी same होता है। Each twin may have two legs, less commonly the twins share. Okay, each twins may have two legs. ठीक है, mostly के दो leg अपने होते हैं। ठीक है, two legs होते हैं, इनके hands होते हैं। ठीक है, तो इनका ये तो इनमें दिखता है, लेकिन मोस्टली कंडीशन, मोस्टली ट्विंस में जो इश्कियोफेगस ट्विंस होते हैं उनमें देखा जाता है कि उनका जीआई ट्रैक्ट, उनका जेनाइटल ट्रैक्ट, उनका यूरिनरी ट्रैक्ट, उनका लीवर, वो क्या है दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये है एक कंडीशन ट्विंस की जिसको बोलते हैं इश्कियोफेगस, जिसमें प्यूबिस के इश्कियल एरिया से बच्चे क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन है क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया। ठीक है, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया एक बच्चा है जिसमें उसके शोल्डर्स, जो शोल्डर्स है वो आगे की तरफ है, पूरे इस तरीके से आगे की तरफ है और उसके वो ऐसे साइड में नहीं है। ठीक है, शोल्डर्स जो है साइड में ना होके क्या है सामने की तरफ है, तो बच्चे के अगर शोल्डर सामने होंगे तो उसके हाथ भी कहाँ होंगे सामने ही होंगे, है ना, तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया। क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया इज अ रेयर जेनेटिक कंडीशन, एक बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम बच्चों में देखने को मिलती है, रेयर जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिकली मिलता है ये बच्चे को, दैट अफेक्ट्स टीथ एंड बोन्स। ठीक है, इसमें टीथ, बोन्स, जैसे कि कहां की बोन्स, स्कल की बोन्स, ठीक है, स्कल एरिया की बोन्स, फेस, स्पाइन, कॉलर बोन्स, इसमें इस वाले बच्चे में क्या अफेक्टेड है, कॉलर बोन्स अफेक्टेड है, इसमें कॉलर बोन गायब है। ठीक है, कॉलर बोन्स है ही नहीं, कॉलर बोन अफेक्टेड है एंड लेग्स। ठीक है, और लेग्स में भी ये कंडीशन हो सकती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है आपको कॉलर बोन्स में, स्कल्स में, बोन्स में, फेस में, टीथ में, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एंड द बोन्स इन पीपल विद सीसीडी क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया माइट बी फॉर्म्ड। ठीक है, माइट बी कैसे हो सकती है, वो फॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है,
differently or might be more fragile than normal. ठीक है, वो कैसी होंगी, अलग तरीके से बनी होंगी ऐसे बच्चों में, और बहुत ही फ्रेजाइल होंगी. फ्रेजाइल का मतलब बहुत ही इजी टू ब्रेक, जो बहुत ही क्या होती है, सॉफ्ट होती है, जिनको आप इजीली जो टूट सकती है. ठीक है, तो इस तरीके की बोन बनी होती है इन बच्चों में. एंड सर्टेन बोन्स सच एज कॉलर बोन्स में भी एबसेंट. ठीक है, तो इस वाले बच्चे में हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें बच्चे की कॉलर बोन्स नहीं है, क्लेविकल एरिया. ठीक है, ये कॉलर बोन्स क्या है, इसमें गायब है, इसीलिए बच्चे के शोल्डर आगे की तरह है. ठीक है, तो ये कंडीशन है. क्लेडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट देखिए, एक और कंडीशन देखने को मिल रही है, दैट इज अर्ब्स पैल्सी. ठीक है, अर्ब्स पैल्सी बहुत ही ये देखने वाली कंडीशन है एक बच्चे में. अर्ब्स पैल्सी, अर्ब्स पैल्सी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी. ठीक है, जब बच्चे के जो ब्रेकियल प्लेक्सस होते हैं वो किसी वजह से अगर क्या हो गए, डैमेज हो गए, तो बच्चे की जो आर्म है, ठीक है, वन आर्म जो है वो इस तरीके की हो जाती है, इस तरीके की हो जाती है, इसको बोलते हैं अर्ब्स पैल्सी. और ये किसके डैमेज होने की वजह से होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस. ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस की डिफॉर्मिटी की वजह से ये देखिए कंडीशन देखने को मिलती है. ओके, इट इज अ नेम फॉर वन ऑफ द डॉक्टर्स हु फर्स्ट डिस्क्राइब दिस कंडीशन. तो विलियम अर्ब, विलहेल्म अर्ब जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने इस कंडीशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अर्ब्स पाल्सी. ठीक है, पाल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस. सो द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स नियर द नेक दैट गिव राइज टू ऑल द नर्व ऑफ द आर्म. ठीक है, नेक के साइड से जो है एक प्लेक्सिस निकलते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, हमें हमें मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, हमारी आर्म्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो अगर वो डैमेज है, तो वो बच्चा का जो हाथ है वो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, इसको वेटर स्टिप भी बोलते हैं. ठीक है, वेटर स्टिप्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें वेटर को हम ऐसे इस तरीके से टिप देते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इसका आर्म जो है, आपको ये वाला आर्म अफेक्टेड दिख रहा है, लेफ्ट आर्म जो है इसका अफेक्टेड है, अर्ब्स पाल्सी. सो ये किसकी वजह से होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस के एबनॉर्मलिटी की वजह से, ब्रेकियल प्लेक्सस के डैमेज होने की वजह से. चलिए नेक्स्ट कंडीशन हमको दिख रही है, डाउन सिंड्रोम चाइल्ड. ठीक है, एक और कंडीशन है बच्चों में, जो कि है, जिसमें बच्चा कैसा दिखता है, बिल्कुल मंगोलियन जैसा बच्चा दिखता है. ठीक है, एक बहुत ही कौन सी, और ये किसकी वजह से होती है, ट्राइसोमी 21. ठीक है, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम. बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम कौन सा डिसऑर्डर है, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होता है, ट्राइसोमी 21 अफेक्ट होता है. ठीक है, याद रखना है आपको, कॉजिंग डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज. ठीक है, ऐसे बच्चों की जो डेवलपमेंटल डिलेज होती है और इंटेलेक्चुअल डिलेज भी होती है उनकी एज के साथ. ओके, डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द क्रोमोसोम 21. क्रोमोसोम 21 पे एक्स्ट्रा जेनेटिक एक मटीरियल आ जाता है. ओके, एंड कॉजेज अ डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस. तो इन बच्चों में फेशियल अपीयरेंस इनका अलग ही तरीके से दिखाता है. मंगोलियन चाइल्ड भी बोलते हैं इनको. ठीक है, मंगोलियन क्योंकि मंगोलियन बच्चों जैसे दिखाई देते हैं. ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी जाती है इनमें. फेशियल अपीयरेंस अलग तरीके से होते हैं. डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिलती है. मे बी एसोसिएटेड विद थायराइड और हार्ट डिजीज. ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि इनको थायराइड और हार्ट डिजीज भी बहुत कॉमन इसमें देखी जाती है. किसमें? डाउन सिंड्रोम. ओके, सो डाउन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन जेनेटिक एक डिसऑर्डर है, जो कि किसकी वजह से होता है, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है. ओके, और ये बच्चे हमेशा आपको हैप्पी फेस, बहुत ही हैप्पी फेस होता है इनका, सोशल होते हैं ये, बहुत ज्यादा हमेशा हंसते ही रहते हैं ऐसे बच्चे. चलिए नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट एक हमारे पास इक्विपमेंट है. ठीक है, नॉट अ कंडीशन, इक्विपमेंट है, जिसमें एक हमें क्या दिए, कुछ शूज दिखाए हैं ना, शूज दिखाए, बट एक नॉर्मल शूज नहीं है. ये कैसे शूज है, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, क्लब फुट. अगर किसी बच्चे को क्लब फुट हुआ है, तो उसको अलाइनमेंट के लिए, क्लब फुट के प्रिवेंशन के लिए, उनको अलाइनमेंट ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं क्लब फुट शूज. क्लब फुट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबीज के पैर जो है वो इस तरीके से,
इस तरीके से बेबी के पैर्स उनका अलाइनमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये भी बर्थ के साथ ही कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, क्लब फूड ऑल्सो कॉल्ड टैलिपस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टैलिपस बोलते हैं इस कंडीशन को, वेयर अ बेबी इज बॉर्न विद अ फूड और फीट दैट टर्न इन एंड अंडर। तो या तो वो फूड इस तरीके से होंगे, ठीक है, अंदर की तरफ होंगे, या वो फूड सॉरी अंदर की तरफ होंगे या फिर नीचे की तरफ होंगे इस तरीके से। ठीक है, इन क्लब फूड वन फूट और बोथ फीट पॉइंट डाउन एंड इनवर्ड, एक एक पैर भी हो सकता है और दोनों पैर भी हो सकते हैं, विद द सोल ऑफ द फीट फेसिंग बैकवर्ड्स, अ क्लब फूड ब्रेस। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्लब फूड का मोस्टली तरीका सर्जरी भी की जाती है परफॉर्म, और सर्जरी के बाद बच्चे को कुछ ब्रेसेस दिए जाते हैं, कुछ प्रोस्थेटिक दिए जाते हैं, जिसमें से क्लब जो शूज हैं क्लब फूड के, वो सबसे ज्यादा कॉमन देखे जाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे के जो अलाइनमेंट हो बचपन से ही क्या किया जा सके, पैरों का ठीक किया जा सके। ओके, तो ये सर्जरी के बाद प्रोवाइड कर जाते हैं, एक तरह के क्या है ये, प्रोस्थेसिस हैं जो अलाइनमेंट के लिए रिहैबिलिटेशन के रूप में हम यूज करते हैं। ओके, ऑफन जस्ट कॉल्ड एन ऑर्थोटिक, हैज टू पार्ट्स, अ बार एंड अ स्पेशल शूज। ठीक है, इसमें एक बार होता है, ठीक है, एक बार है, ये बार है और ये शूज है। ओके, दैट अटैच एट ईच एंड, जो एक दूसरे के साथ अलग अलग एंड्स पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो सर्जरी के बाद जब क्लब फूट की सर्जरी होती है, उसके बाद बच्चे को ये अलाइनमेंट दिए जाते हैं, और किसी किसी का सर्जरी की भी आवश्यक अगर नेसेसरी नहीं हो तो उसमें डॉक्टर्स जो है वो स्टार्टिंग से ही उनको बोलते हैं कि वो शूज पहनना स्टार्ट कर दे, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो ग्रोइंग एज के साथ क्या हो जाए, उनके पैर ठीक हो जाए, उनका अलाइनमेंट सही तरीके से हो जाए। तो यह है क्लब फूट शूज। नेक्स्ट है हमारे पास एक और डिवाइस दिख रहा है आपको, लोगन्स बो। ओके, तो जो लोगन्स बो है ये कब यूज किया जाता है, ये सर्जरी के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, ये लोगन्स बो जो है वो सर्जरी इस तरीके का मेटल का दिखता है, जिसमें बच्चे के जो लिप्स है, ठीक है, लिप्स और जो अपर लिप एरिया है, नोज वाला ये वाला एरिया है, इसमें बच्चे का जो पैलेट एंड लिप, ठीक है, तो जो लोगन बो है इज एन एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नली अप्लाई किया गया है ये, ठीक है, डिवाइस कॉम्प्रोमाइजिंग अ कर्व्ड बो शेप मेटल बार विद स्पाइक्स अटैच्ड टू इट्स क्रॉस बार एंड इज वाइडली एज अ पार्ट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटेन पोस्ट ऑपरेटिव ऑपोजिशन। ठीक है, तो ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, क्लेफ्ट लिप के लिए, जब क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है बच्चे की, क्लेफ्ट लिप एक क्या है, डिफॉर्मिटी है, ठीक है, जो बर्थ के साथ ही बच्चे में देखने को मिलती है, जिसमें इसका लिप जो है, लिप एरिया जो है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें बच्चे को क्या होती है, सकिंग प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से बच्चे की क्या की जाती है, सर्जरी की परफॉर्म की जाती है, और सर्जरी के बाद उस एरिया को क्या करने के लिए, उसका मूवमेंट को कम करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए एक प्रोस्थेटिक अप्लाई किया जाता है, जिसका नाम है लोगन्स बो। ओके, लोगन्स बो इस तरीके का दिखाई देता है, टू द अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेन आफ्टर चीलोप्लास्टी। ठीक है, और लिप की सर्जरी को क्या बोला जाता है, चीलोप्लास्टी बोला जाता है। ठीक है, चीलोप्लास्टी बोला जाता है इसको, लिप की सर्जरी को चीलोप्लास्टी। तो चीलोप्लास्टी में के बाद क्या यूज किया जाता है, उनको अलाइन रखने के लिए लोगन्स बो यूज किया जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस है। ठीक है, लोगन्स बो, तो ताकि बच्चे के जो लिप है उस पर एक्सटर्नल या एक्सेसिव स्ट्रेन ना पड़े, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, लोगन्स बो यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर दिखाया गया है नेक्स्ट इमेज में आपको, एक प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जा रहा है, टू फिंगर के साथ बच्चे को क्या दिए जा रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, सीपीआर जो है कार्डियोपल्मोनरी रीसर्सिटेशन के लिए, जब हम किसमें परफॉर्म करते हैं, न्यू बॉर्न में परफॉर्म करते हैं, तो हम एक दो टेक्निक यूज करते हैं, एक टेक्निक होती है थंब टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम थंब के कंप्रेशन देते हैं, या फिर टू फिंगर टेक्निक। ठीक है, टू फिंगर टेक्निक, तो ये कौन सी टेक्निक है, टू फिंगर टेक्निक है चेस्ट कंप्रेशन देने की इन अ न्यू बॉर्न। ओके, तो सिंगल पर्सन कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन, तो जब हमारे पास एक ही पर्सन रेस्क्यूअर,
एक ही बचाने वाला आदमी है, एक ही रेस्क्यूअर प्रेजेंट है हमारे पास, तो क्या दिया जाता है, टू फिंगर मोस्टली यूज किया जाता है. ओके, टू फिंगर्स यूज किया जाता है. ऑन एन इन्फेंट शुड बी परफॉर्म विद टू फिंगर्स जस्ट बिलो द इंटर मैमिलरी लाइन. ठीक है, मतलब जो निपल्स है, निपल लाइन है, निपल लाइन के थोड़े से नीचे दिया जाता है विद द हैंड क्लेंच्ड व्हाइल टू पर्सन सीपीआर शुड बी विद द टू थंब. और अगर दो पर्सन है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, थंब मेथड यूज करेंगे. ओके, पर जब हमारे पास सिंगल रेस्क्यूअर होता है तो हम मोस्टली कॉमन सी कौन सा मेथड यूज करते हैं न्यूबॉर्न में, टू फिंगर मेथड यूज किया जाता है. ओके, देखिए हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है. ये बॉक्स जो है एक कोल्ड बॉक्स है. क्या है ये, एक कोल्ड बॉक्स जो कि कम्युनिटी में यूज किया जाता है. ठीक है, कम्युनिटी में यूज किया जाता है. कोल्ड बॉक्सेस आर इंसुलेटेड कंटेनर्स. इंसुलेटेड का मतलब इसमें हीट को प्रिवेंट किया जाता है. ओके, हीट से प्रिवेंट किया जाता है. दैट कैन बी लाइंड विद कोलेंट पैकेजेस टू कीप वैक्सीन एंड डाइल्यूटेंट्स कोल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्ट पीरियड स्टोरेज. अगर हमें थोड़े टाइम के लिए हमें क्या करना हो, वैक्सीन को प्रिवेंट करना हो, वैक्सीन को रखना हो, वैक्सीन को अच्छे से रखना हो, स्टोर करना हो, तो कुछ देर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कोल्ड बॉक्सेस को यूज किया जा सकता है. ठीक है, ये वैक्सीन कैरियर नहीं है. ठीक है, ये वैक्सीन कैरियर नहीं है, बल्कि ये वैक्सीन को रखने के लिए, थोड़े टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए वैक्सीन को स्टोर रखने के लिए एक बॉक्स है जो कि इंसुलेटेड होता है, जिसमें हीट को प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो वैक्सीन क्या हो, डिस्ट्रॉय ना हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ओके, तो उसे बोला जाता है कोल्ड बॉक्स. ये है आइस पैक फ्रीजर. जो भी हम वैक्सीन कैरियर में जो आइस पैक हम यूज करते हैं, उनको इसी में प्रिवेंट रखा जाता है. ठीक है, तो उससे पहले वैक्सीन कैरियर में डालने से पहले वो उनको इसी में रखा जाता है. किसमें, आइस पैक फ्रीजर में. एन आइस पैक और जेल पैक इज अ पोर्टेबल प्लास्टिक बैग फिल्ड विद वाटर रेफ्रिजरेटर जेल और लिक्विड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर यूज द पैकेज इज फर्स्ट प्लेस इन अ फ्रीजर. तो उसको यूज करने से पहले हम उसको कहां रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन रहे. आइस इनिशियली वेल बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर विल लास्ट अ लिटिल लॉन्गर. तो जब वो फ्रीज रहता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा देर तक क्या होता है, स्टोर रहता है. ठीक है, प्रिवेंट रहता है. तो आइस पैक को वैक्सीन कैरियर में डालने से पहले किसमें रखा जाता है, आइस पैक फ्रीजर में स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट एक हमारे पास हमें दिख रहा है एक डिवाइस सा है. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज फीमेल डायफ्राम. क्या है ये, फीमेल डायफ्राम है. फीमेल डायफ्राम इज वन ऑफ द मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. कौन सा मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है. फैमिली प्लानिंग में हम मेथड पढ़ते हैं, टेम्पररी मेथड, परमानेंट मेथड. टेम्पररी मेथड में भी हम कुछ फिजिकल मेथड्स पढ़ते हैं जो कि फीमेल्स यूज करती हैं. ठीक है, मेल्स, कुछ मेल्स यूज करते हैं, कुछ फीमेल्स यूज करती है. तो फीमेल्स जो प्रोटेक्टिव मेथड्स यूज करती हैं टेम्पररी बेस पे, उसमें से एक मेथड होता है फीमेल डायफ्राम. ठीक है, और इस तरीके का डायग्राम उसका दिखा देते, इस तरीके की इमेज फीमेल डायफ्राम की होती है. अ डायफ्राम इज अ रीयूजेबल रबर और सिलिकॉन कप दैट कवर्स द सर्विक्स. ठीक है, द डायफ्राम इज कहां लगाया जाता है, सर्विक्स पे अप्लाई किया जाता है. इज इंसर्टेड इन टू द वजाइना विद स्पर्मिसाइड. और इसको यूज करने से पहले इसमें क्या किया जाता है, स्पर्मिसाइड जेली लगाई जाती है. क्या लगाई जाती है, स्पर्मिसाइड जेली यूज की जाती है विद बिफोर सेक्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. डायफ्राम इज अ बर्थ कंट्रोल डिवाइस दैट प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूटरस. ठीक है, तो आपको पता है जैसे जिस तरीके से कॉन्डम यूज किया जाता है, फीमेल मेल कॉन्डम, उसी तरीके का डायफ्राम भी होता है. पर डायफ्राम को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्पर्मिसाइड जेली लगाते हैं. स्पर्मिसाइड जेली का मतलब जो स्पर्म को किल करती है. ओके, स्पर्मिसाइड जेली यूज की जाती है. और इसमें इसको हम क्या करते हैं, 6 आवर्स के लिए, 6 आवर्स से पहले हमें इसे क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. ठीक है, 6 आवर्स से पहले इसे रिमूव करना पड़ता है. तो यह है फीमेल डायफ्राम. नेक्स्ट एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमको दिख रहा है, एक और टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हमारे पास. ये है वेजाइनल स्पॉन्ज. क्या है ये, वेजाइनल स्पॉन्ज है. ये भी फीमेल के लिए यूज होता है. ठीक है, फीमेल इसको यूज करती है वजाइनल स्पॉन्ज को. द कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज कंबाइंस बैरियर एंड स्पर्मिसाइडल मेथड. ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, स्पर्मिसाइड यूज की जाती है टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन. 3 ब्रांड्स आर मार्केटेड
फार्मेटिक्स, प्रोटेक्टेड एंड टुडे। ठीक है, तो आजकल मार्केट में तीन टाइप की वजाइनल स्पॉन्जेस आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तीन ब्रांड्स हैं, फार्मेटिक्स है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है एंड टुडे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली टुडे यूज किया जाता है। तो आजकल ये इस नाम से क्या हो रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है आपके पास। कौन कौन से ब्रांड है, फार्मेटिक्स, प्रोटेक्टेड एंड टुडे। तो ये क्या है, वजाइनल स्पॉन्ज है। इसमें ऑलरेडी क्या होती है, इसमें नाइलेक्सिन 9 जो स्पर्मिसाइड जेली होती है वो ऑलरेडी इसमें क्या होती है, लगी हुई होती है। ठीक है, कौन सी स्पर्मिसाइड जेली होती है, नाइलेक्सिन 9, नैनोफिनॉल 9। ये क्या है, स्पर्मिसाइड लगा हुआ होता है इसमें। ओके, नैनोक्सिनॉल 9। कभी कभी इस स्पर्मिसाइड का नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका नाम है नैनोक्सिनॉल 9। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है, किस चीज का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, दैट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये पिल्स हैं, देखिए स्टार्ट इन ग्रीन सेक्शन, यहां से स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इसका साइकिल दिया होता है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, यहां से इस तरीके से, यहां ग्रीन से स्टार्ट करना है आपको, ये वाला इस तरीके से आना है। ठीक है, इस तरीके से इस बर्थ कंट्रोल पिल की साइकिल चलती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स आर स्मॉल टैबलेट्स टेकन डेली दैट कंटेन हार्मोन्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, दे एसेंशियल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। क्या करते हैं बर्थ कंट्रोल पिल, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, ओव्यूलेशन से प्रिवेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो बर्थ कंट्रोल पिल कई तरीके की आती है। ठीक है, मेल पिल्स भी होती है, फीमेल पिल्स भी होती है, और इसके अलावा माला एन, माला डी, ठीक है, 72 आवर्स पिल, ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल। ठीक है, कई तरीके की पिल्स जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो दीज ऑल आर बर्थ कंट्रोल पिल्स। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पैच। ठीक है, एक और तरीका का टेम्पररी मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है, एक पैच अप्लाई किया जाता है। इस लेडी ने क्या किया, एक पैच को अप्लाई किया है स्किन में। ठीक है, तो ये ट्रांसक्यूटेनियसली ये पैच क्या करता है, हॉर्मोन्स प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिससे क्या होता है, बर्थ कंट्रोल होता है। ठीक है, सो द बर्थ कंट्रोल पैच इज अ थिन विच 1 and 3.5 inch, यानी करीब 4.5 centimeter का ये होता है, स्क्वायर पैच दैट स्टिक्स टू द स्किन, इसको स्किन में चिपकाया जाता है। इट रिलीजेस हॉर्मोन्स थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और ये भी एक तरह से क्या करता है, जितने भी बर्थ कंट्रोल काम करते हैं वो सब हार्मोनल बेस पे ही काम करते हैं, जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो सब हार्मोनल बेस पे काम करती हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारा मेन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये पैच भी क्या करता है, स्किन के थ्रू बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक डिवाइस है कॉन्ट्रासेप्शन से ही रिलेटेड, जिसे बोला गया है IUCG हुक। ठीक है, यानी इंट्रा यूट्राइन कंट्रोल डिवाइस हुक। ओके, तो इस तरीके का दिखाई देता है IUCG हुक। देखिए इस तरीके का दिखाई देता है, आगे से ऐसे होगा और इस तरीके होगा, हुक की तरह होता है। IUG हुक में बी यूज टू लोकेट द स्ट्रिंग्स इन द सर्वाइकल कैनाल और यूट्रस। तो ये किस किस के लिए, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जब IUD किसी फीमेल को इंसर्ट की जाती है तो उसका थ्रेड कभी कभी क्या हो जाता है, यूट्रस या जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। तो उसको थ्रेड को क्या करने के लिए, निकालने के लिए, उस थ्रेड को देखने के लिए, असेस करने के लिए इस IUD हुक का यूज किया जाता है। ओके, इफ द स्ट्रिंग्स आर नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल द हुक मे बी यूज टू अटेम्प्ट द रिमूवल फ्रॉम द यूट्रस। और अगर वो हुक जो है वो IUD सही तरीके से प्लेस नहीं है तो इस हुक की सहायता से हम उस IUD का थ्रेड जो है उसको रिमूव कर देते हैं, IUD को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम ये एक गाइड का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीन कैरियर। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था आइस पैक फ्रीजर, कोल्ड पैक देखा था वैक्सीन को रखने के लिए। अब जो आपने देखा होगा कई सारे ANMs के पास, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के पास, ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, वैक्सीन कैरियर होते हैं, जो वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये पोर्टेबल कुछ कैरियर्स होते हैं जिनमें वैक्सीन को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इनमें आइस पैक्स होते हैं साइड से, और उसके बीच में क्या की जाती है, वैक्सीन को रखा जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सो इन कंपैरिजन विद द कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स हैव अ स्मॉलर वैल्यू, कोल्ड पैक से छोटे होते हैं ये। ओके, फॉर यूज बाय हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स। तो आजकल आपने भी देखा होगा जैसे कई सारी जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन के लिए भी, तो उसमें भी कैरियर जो वैक्सीन होती है उनको ले जाने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, वैक्सीन कैरियर का यूज किया जाता है। ये कोल्ड बॉक्सेस के मुकाबले थोड़ा सा छोटे होते हैं। आउटरीच सर्विसेज, एज दीज आर द पैसिव डिवाइसेस, कूलेंट पैक्स आर यूज्ड एज एक्सेसरीज फॉर बोथ कोल्ड बॉक्सेस एंड वैक्सीन कैरियर्स टू प्रोवाइड द कूलिंग कैपेसिटी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। इसकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, इसको कैरी करना पड़ता है, और इसमें जो वैक्सीन है उनको यूज करना पड़ता है। सो दिस इज द वैक्सीन कैरियर। नेक्स्ट, वैक्सीन से रिलेटेड एक और हमारे पास है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या है, VVM, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, ये क्या है, एक डिवाइस, जो वैक्सीन होती है हमारे पास इस तरीके के हमारे पास वायल होती है, ठीक है, और उस वायल में कुछ मार्क्स दिए होते हैं। ठीक है, तो मार्क्स कैसे होते हैं, अगर आपको इस तरीके का मार्क दिखाई दे रहा है, जो बाहर का सर्किल है वो पर्पल है और अंदर का जो स्क्वायर है वो कैसा है, व्हाइट है, तो आप वैक्सीन को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो सेंसर होता है, ये जो VVM आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, हीट सेंसर, हीट सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो हीट सेंसिटिव, तो आपको पता है कि वैक्सीन का एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और मोस्टली कॉमन जो मोस्टली वैक्सीन होती है उनका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है, 2 to 8 degrees centigrade। ठीक है, तो अगर वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, तो अगर इस तरीके का हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हमको इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाइट की जगह ये थोड़ा सा लाइट पर्पल हो गया लेकिन बाहर का अभी भी डार्क है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, अगर ये दोनों सेम कलर के हो गए, सर्किल भी और स्क्वायर भी, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, और अगर ये अंदर वाला जो स्क्वायर है ये सर्किल से ज्यादा डार्क हो गया है, तो भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो दो कंडीशन है जिसमें आप यूज कर सकते हो, एक जब ये क्या है, लाइट है, और एक जब ये थोड़ा सा और लाइट है। लेकिन अगर ये दोनों सेम हो गए और अंदर वाला डार्क हो गया, तो इन दोनों कंडीशन में आप यूज नहीं कर सकते। तो ये भी पेपर में एक बार आया हुआ है, VVM का डायग्राम। तो ये क्या है, वैक्सीन को चेक करने के लिए क्या है, एक तरीका है कि वैक्सीन अभी ठीक है या नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। वैक्सीन वायल मॉनिटर्स आर स्मॉल स्टिकर्स दैट अडहेयर टू वैक्सीन, स्टिकर लगे होते हैं वैक्सीन पे, वायल पे, एंड चेंज कलर एज द वैक्सीन इज एक्सपोज्ड टू हीट। तो ये क्या बताते हैं आपको कि वैक्सीन हीट से क्या हो चुकी है, एक्सपोज हुई है या नहीं हुई है। लेटिंग हेल्थ वर्कर्स नो वेदर द वैक्सीन कैन बी सेफली यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन। तो इससे हेल्थ वर्कर को पता चल जाता है कि आप सेफली वैक्सीन को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम किस चीज का है, अंडर 5 क्लिनिक का एक डायग्राम है। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल दिया हुआ है। ये किस चीज का ट्राइंगल है, अंडर 5 जो क्लिनिक होती है, अंडर 5 क्लिनिक्स का एक पर्टिकुलर लोगो होता है, वो लोगो कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ट्राइंगल होता है। इसमें क्या है, यहाँ पे इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, केयर इन इलनेस, बीच का जो ट्राइंगल है ये दिखाता है फैमिली प्लानिंग को, एक तरफ है मॉनिटर ग्रोथ, एक तरफ है प्रिवेंटिव केयर, और सबसे ऊपर है हेल्थ एजुकेशन। तो अंडर 5 क्लिनिक इज अ सेंटर वेयर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रेफरल एंड एजुकेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ पैकेज मैनर टू अंडर 5 चिल्ड्रन अंडर 1 रूफ गोल। टू ओवरऑल गोल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू यंग चिल्ड्रन इन अ स्पेशलाइज्ड। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हो गया, केयर इन इलनेस हो गया, फैमिली प्लानिंग होता है सेंटर में। कई बार क्वेश्चन आया था कि अंडर 5 क्लिनिक के सेंटर में कौन सा कंपोनेंट होता है, तो सेंटर में होता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर ग्रोथ है साइड में, और एक है प्रिवेंटिव केयर। ओके, सो ये है अंडर 5 क्लिनिक का लोगो। नेक्स्ट है हमारे पास एक और डायग्राम, दिस इज शाकी स्टेप। ठीक है, ये क्या है, शाकी स्टेप है। ठीक है, इसमें आपको एक टेप दिखाई दे रही है जिसमें कुछ जोन बने हुए हैं, जो रेड, एक रेड जोन है, बीच में येलो जोन है, और एक ग्रीन जोन है। सो शाकी टेप किस लिए यूज किया जाता है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, MUC। ठीक है, मिड आर्म, अपर आर्म सर्कमफेरेंस को
मेजर करने के लिए शाकी स्टेप यूज किया जाता है, क्या देखने के लिए, माल न्यूट्रिशन, बच्चे में माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए। ओके, तो अगर बच्चा जो है ग्रीन कलर के जोन में आता, इतना अगर उसका क्या होगा, एमयूसी होगा, मिड आर्म सर्कमफेरेंस होगा, तो वो ग्रीन कलर के जोन में होगा, इसका मतलब वो प्रॉपरली नरिश्ड है। अगर येलो में होगा तो मॉडरेटली नरिश्ड, माल नरिश्ड है, मतलब हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर रेड कलर में उसका एमयूसी आया तो इसका मतलब वो एक्यूटली माल नरिश्ड है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके, ग्रीन जो है वो सेफ जोन माना जाएगा, ठीक है। तो अगर बच्चे का जो है एमयूसी मोर देन 13.5 है, कितना है, मोर देन 13.5 है, तो वो नॉर्मल है। अगर 12.5 से 13.5 के बीच में है तो वो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और अगर वो लेस देन 12.5 सेंटीमीटर है तो मतलब वो मसल वास्टेड है और वो रेड जोन में आएगा, इसका मतलब बच्चे को तुरंत हम क्या करेंगे, एडमिट करवाएंगे या रेफर करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ जोन्स हैं, तो ये वार्निंग्स दी होती है। ओके, मिड आर्म सर्कमफेरेंस के लिए, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस कई बार डायग्राम आया है इसका, कि ये जो शाकीज ये टेप है, ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये क्या है, तो ये शाकीज टेप है। अगर नाम दिया हुआ है तो ये पूछा होगा तो ये किस चीज के काम आता है, तो ये मिड आर्म सर्कमफेरेंस को असेस करने के काम आता है, ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पीडियाट्रिक के, हमने कुछ पीडियाट्रिक के, कुछ कम्युनिटी के, कुछ ऐसे इमेजेस देखे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे भी पीडियाट्रिक और कम्युनिटी के कुछ और इमेजेस आपके लिए लेके आएंगे, कुछ और कंडीशंस के लेके आएंगे, कुछ डिजीज कंडीशंस के लेके आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में और ज्यादा हेल्प मिले। ओके, तो आज का सेशन हमारा इतना ही था, नेक्स्ट मैं आपके साथ और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।